अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3, अ शो टू मेक यू फील अप एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों, इन दिस शो वी ऑलवेज लर्न समथिंग पॉजिटिव, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल। और ये शो बायलैंग्वेल है, यानी कि कुछ सेगमेंट्स हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, तो मिक्स है, अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस राइड को आगे बढ़ाया जाए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIO UDAAN। और दोस्तों, जो पिछले एपिसोड में मैंने रिडल पूछी थी, पहेली पूछी थी, उसका आंसर बताने का समय भी बिल्कुल आ गया। वेल दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं या किसी पहेली का आंसर देते हैं, तो चाहे छोटी हो बड़ी हो, खुशी तो होती है और खुशी से पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए इस शो में हमेशा मैं एक रिडल पूछती हूँ लास्ट सेगमेंट में, और उसका आंसर अगले हफ्ते अगले एपिसोड के पहले सेगमेंट में बताया जाता है। तो दोस्तों, जो पहेली थी लास्ट वीक वो थी, व्हाट आर द टू थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट ईट इन ब्रेकफास्ट। जी हाँ दोस्तों, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते, नाश्ते में नहीं खा सकते। तो दोस्तों, द राइट आंसर फॉर दिस इज लंच एंड डिनर। जी हाँ, ब्रेकफास्ट में तो ब्रेकफास्ट ही कर सकते हैं, ना लंच कर सकते ना डिनर। तो दोस्तों, ये जो आंसर है ये सही हमें एक लिसनर ने भी दिया है, निशा जी ने पंजाब से। तो कंग्रेचुलेशंस निशा जी, आप अक्सर जो इन रिडल्स का आंसर देती रहती हैं, तो काफी अच्छी बात है। सो थैंक यू फॉर दिस। और आज की जो रिडल है, पहेली है, वो लास्ट सेगमेंट में मैं बताऊंगी। तो आप बने रहिए इस इंस्पिरेशनल राइड के साथ, क्योंकि जिंदगी में नेगेटिविटी बहुत है और हमें अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो स्टे पॉजिटिव विद आरजे दिव्या शर्मा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इंस्पिरेशनल राइड। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। बात मैं आरजे दिव्या शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप एंथुसियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल विंग सीजन 3 every Tuesday 9 to 10 PM and Red Beach, every Wednesday 4 to 5 PM only on Radio Udaan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. So, दोस्तों, now we are in the first segment of this inspirational ride. And like always, we are going to talk about a small moral story. होगी तो छोटी सी कहानी, पर उसका जो वजनदार moral होगा, वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है अच्छे के लिए। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस moral कहानी की तरफ। तो दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो कहानी है, ये छोटी सी होगी, दिलचस्प होगी, और जो इसका moral होगा, वो शायद हम सभी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इस कहानी की तरफ, हिंदी में होगी ये कहानी। हैप्पी लिसनिंग। एक बार एक कोई व्यक्ति जो कि सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो कहीं से बेंगलोर की तरफ जा रहा होता है। सो वो ट्रेन में बैठा होता है, एसी क्लास में बैठा होता है। तो जो वो बर्थ होता है जहाँ पे वो बैठा होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। तो वो आराम से अकेला सफर कर रहा होता है। कुछ देर बाद एक महिला आती है, जो कि आके उसके सामने वाले बर्थ पे, यानी कि सामने वाली सीट पे बैठ जाती है। तो वो काफी खुश होता है देख के कि अरे, इतनी खूबसूरत सी एक महिला आके सामने बैठी है। तो ठीक है, वो बैठी है, देख रही है। तो थोड़े समय बाद वो देखता है कि वो उसे देख के स्माइल कर रही होती है। ठीक है, ये भी और खुश होता है, ये बटरफ्लाइज इन द स्टमक इज ऑलवेज हैप्पी, कि चलो ये एक सफर है जो अच्छा कट जाएगा। तो वो देखता है, वो खुश हो रही होती है, स्माइल कर रही होती है। और कुछ देर बाद, तो दोस्तों कुछ देर बाद वही महिला उठ के आती है और उसके बगल वाली सीट पे बैठ जाती है। तो वो जो बंदा है, वो और भी बहुत खुश हो जाता है। तो वो कुछ थोड़ी सी और देर बाद थोड़ा सा उसकी ओर झुकती है
और उसके कान में बोलती है कि जितने भी पैसे हैं, जितना भी क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, जितना भी तुम्हारी पॉकेट में है, सब कुछ मुझे अभी दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पे शोर मचा दूंगी कि यू वर हरासिंग मी, कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो दोस्तों, इस पे उस व्यक्ति ने, सीए ने, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपनी पॉकेट में से एक कागज निकाला, अपनी आगे वाली शर्ट में से एक पेन निकाला और कागज पे लिखा, आई कैन नॉट हियर और लिसन, आई कैन नॉट हियर और स्पीक, कुड यू प्लीज राइट व्हाट एवर यू आर सेइंग ऑन दिस नोट। उसने कहा कि ना ही मैं सुन सकता हूँ, ना ही मैं बोल सकता हूँ, तो तुम क्या लिख सकती हो जो तुम कह रही हो इस कागज पे? तो उस लेडी ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से वो कागज लिया और वहां पे लिख दिया कि जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। तो ये लिखने के बाद जब उसने इस व्यक्ति को ये कागज पकड़ाया, तो दोस्तों हम सभी सोच सकते हैं क्या किया होगा उसने। वेल, उसने वो कागज पॉकेट में रखा, पेन रखा, स्माइल की और चुपचाप निकलने खड़ा हुआ और वहां पे कदम बढ़ाने लगा और कहता कि अब चीख लो जितना चीखना है, अब बोलो जिसे बुलाना है, गो ऑन। ये कह के वो निकल गया वहां से। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर और एक डॉक्यूमेंटेशन, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, इस हालात में वो बिल्कुल घबरा भी सकता था, पर उसने सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया, उसने कैसे क्रिएटिव वे में इस सिचुएशन से डील किया, और डॉक्यूमेंटेशन तो लिखित रूप में जो उसने लिया वो तो एक सीधे एक अच्छा था ही पॉइंट। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि सिचुएशन जितनी भी टेडी हो, ट्रिकी हो, आपको सोचना होगा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा हटके, थोड़ा क्रिएटिव वे में सोचिए। हमेशा शोर मचाना या हमेशा लड़ना ही एक उपाय नहीं होता है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू फाइंड योर सेल्फ ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, ट्राई टू थिंक इन अ क्रिएटिव मैनर, सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा साथ रखिए। तो चलिए दोस्तों, दिस वॉज द क्यूट एंड ऑफकोर्स अ बेनिफिशियल मॉरल स्टोरी। आई लव्ड इट एंड आई होप द सेम फ्रॉम यू। तो चलिए, अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, फिर इस अटपटी ब्रेक के उस पार हम सुनेंगे एक ऑडियो क्लिप और सेगमेंट्स की अभी बिल्कुल लाइन लगी हुई है, तो मोटिवेशन और करेज, डिटर्मिनेशन बिल्कुल भरपूर है आज के इस एपिसोड में। तो मिलती हूँ आपको इस ब्रेक के उस पार। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। Thank you.
तेरा हर जबरा होर जबरा पैन हो गया वो तुझे देख तेरी दिल में टेंशन हो गया मैं तेरा हर जबरा होर जबरा पैन हो गया स्टाइल तेरा बट्टे है तुझ पे खेल सकते हैं तुझसे ही वाई फाई कनेक्शन जुड़ा तेरे तक जो आती है लाइन सारी काफी है कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका So, dosto, now we are in the second segment of this inspirational ride, and like always, we are going to jump into a motivational, inspirational, or positive clip. An audio clip जो हमें positivity दे सकती है, inspire कर सकती है, और ये audio clip हमेशा या तो हिंदी में होती है या इंग्लिश में होती है तो दोस्तों जो आज की ऑडियो क्लिप है वो है मिस्टर हिमेश मदान द्वारा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उनकी जो हमेशा जो इनकी क्लिपिंग्स रहती है वो बहुत ही मोटिवेटिंग रहती है तो ये हिंदी में होगी आज की जो ये ऑडियो क्लिप है तो दोस्तों ये जो क्लिप है ये रिवॉल्व करेगी अराउंड फेलियर कि अगर आप कभी हार जाते हैं तो उससे कैसे डील करना है उससे कैसे निकलना है उभरना कैसे है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेलियर में स्टक हो जाते हैं और वो फिर अपना हौसला बिल्कुल खो देते हैं तो दोस्तों सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और उम्मीद मुझे यही है कि आपको भी बिल्कुल दिलचस्प लगेगी और अच्छी लगेगी हैप्पी लिसनिंग आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे स्टे ट्यून्ड पेन होने पे आप क्या कह सकते हो आप अपने पोटेंशियल पे डाउट कर सकते हो और अपनी कैपेबिलिटीज को स्टोर में ताला लगा के बंद कर सकते हो कहीं गलती से आप उन कैपेबिलिटीज की वजह से कुछ बन ना जाओ आप रो सकते हो दिन रात रो सकते हो तो आप डिप्रेशन में चले जाओ और सैड सॉन्ग्स का फायदा लो या आप हार मान सकते हो और सक्सेस के चांसेस का दी एंड कर दो या फिर आप सुसाइड कर सकते हो जो जिंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना उसको खत्म कर दो और कायरों की तरह डरपोकों की तरह दुनिया से चले जाओ बट फिर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो इट मीन आप कायरों की तरह पेजेस के आगे हार नहीं मानना चाहते आप फाइटर्स की तरह पेजेस के आगे जीतना चाहते हो और आपके इस हौसले को पक्का इरादा बनाने के लिए मैं आपके साथ हूँ सो हियर आर फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू डील विद फेलियर फर्स्ट टिप यू आर नॉट अ फेलियर चाहे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पा रहे हो या फिर लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हो हमें एक चीज को याद रखना होगा अगर हम किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो तरीका फेल हुआ है वो अटेम्प्ट फेल हुआ है वो कोशिश फेल हुई है आप फेल नहीं हुए इस छोटी सी बात का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में बहुत बार लोग जब फेलियर को फेस करते हैं ना तो खुद को फेलियर समझ लेते हैं आई एम अ फेलियर और खुद को फेलियर समझना मतलब होप खत्म कर देना गिव अप कर देना मतलब मान लेना कि मैं एज अ इंडिविजुअल एक फेलियर हूँ और ऐसा सोचने से आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जिससे आप और फेलियर्स को इन्वाइट करते हो मतलब खुद को और बड़ा फेलियर बना देते हो और ये साइकिल चलता रहता है और आपकी पूरी लाइफ इम्पैक्ट हो जाती है फ्रेंड्स फेलियर का होना और खुद को फेलियर समझना इन दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है जिससे आपकी लाइफ की डेफिनेशन बदल सकती है हर सक्सेसफुल इंसान के सक्सेस के पीछे कई फेलियर्स होते हैं बट अगर वो खुद को फेलियर मान लेता तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स ट्राई किया फिर जाके बना इलेक्ट्रिक बल्ब वो भी अपने फेल्ड अटेम्प्ट पे कह सकते थे कि मैं नहीं खेल रहा मैं नहीं बना रहा बल्ब मेरे से नहीं होता मेरे बस की नहीं मैं नहीं कर रहा इतनी बार ट्राई बट उन्होंने अटेम्प्ट को फेल्ड माना उन्होंने खुद को फेलियर नहीं माना और कर गए हमारी जिंदगी में उजाला
तो रिमेंबर कि फेल होना डज नॉट मेक यू लेस सक्सेसफुल. आपने तो अटेम्प्ट किया है, हिम्मत की बात है, आपने कोशिश किया है, आप एक स्टेप आगे बढ़े हो, आपने पास्ट को एक स्टेप पीछे छोड़ गए हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप आगे चल रहे हो, तो आप फेलियर नहीं हो. आपके अटेम्प्ट फेलियर हो सकते हैं, आपके अटेम्प्ट फेल हो सकते हैं, बट आप फेलियर नहीं हो. रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शबा को कहना कि जलना छोड़ दे. मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे. सेकेंड पॉइंट, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ. हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि गलतियां सब करते हैं, फेल होना लाइफ का पार्ट है, बट फेल होना किसको पसंद है. हम सब फेल होने से नफरत करते हैं, डरते हैं, उस फेल होने वाली फीलिंग से बचते हैं, भागते हैं. मतलब हम फेलियर को अलाउ करते हैं कि वो हमें मारता रहे. जब भी आप किसी चीज में फेल होते हो ना, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करो, उस फीलिंग से डरो मत, भागो मत, घबराओ मत, उसको अंदर दबाई ना रखो. जितना अंदर दबाओगे ना, उतनी घुटन होगी और फिर डिप्रेशन की फॉर्म में बाहर आएगी. इस सोडा बॉटल की तरह इसके अंदर गैस है, हिलाता रहूंगा, इसको खोलूंगा नहीं तो ऐसे जाएंगे, फट जाएंगे. तो आप भी अंदर ही अंदर डिस्टर्ब मत होते रहो, अपनी इमोशंस की कैप खोलो और फीलिंग्स को बाहर आने दो. एक फेमस फुटबॉल कोच थे डॉन शुला, जिन्होंने 24 आवर रूल बनाया था अपनी टीम के लिए. वो अपने प्लेयर्स को 24 आवर्स देते थे किसी भी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी भी डिफीट के ऊपर रोने के लिए. वो गेम हारने के बाद अपने प्लेयर्स को 24 आवर्स देते थे कि जितना उदास होना है, जितना इस फेलियर पे रोना है रो लो, एंड 24 आवर्स के बाद फोकस करो अपनी नेक्स्ट गेम पे. जितना इमोशंस को निकालना है निकाल दो, उसको अंदर मत दबाओ, लेकिन 24 आवर्स के बाद खाली हो जाओ और रेडी हो जाओ अपनी अगली गेम के लिए. कुछ टाइम के लिए उदास होना नेचुरल है, हम सब ह्यूमन है, लेकिन इसको लंबा मत खींचो यार, फिर एंग्जाइटी बनेगी और फिर वो डिप्रेशन बन जाएगा. तो इस चीज को समझे कि गलतियां सब करते हैं, वो लाइफ का पार्ट है, इंपॉर्टेंट ये है आगे बढ़ना. तो फेलियर वाली फीलिंग को फेस करो, डील करो एंड खुद को फ्री करो. थर्ड पॉइंट, लर्न फ्रॉम योर फेलियर. खुद से पूछो कि इस फेलियर से क्या सीखा जा सकता है, क्या ऐसा जो मुझे अलग करना है, क्या ऐसा जो मुझे नहीं करना, या फिर क्या ऐसा जो मुझे करना है. इन शॉर्ट, क्या कॉजेज है, क्या सोल्यूशन है. क्योंकि फेलियर एक बहुत बड़ा टीचर है जो बहुत बार लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाता है. माइकल जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल के टॉप प्लेयर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ में 9000 शॉट्स मिस किए, 300 गेम्स लूज किए, 26 टाइम्स तो विनिंग शॉट मिस किया. मैं बार बार फेल हुआ इसीलिए सक्सेसफुल हुआ. अगर हम भी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो सेम गलतियां बार बार करेंगे. तो गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना ये गलत है. तो अगर आपके लाइफ के स्वादिष्ट कबाब में फेलियर नाम की हड्डी आ जाए तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है. मान लो एग्जाम में फेल हो गए तो कॉजेज ढूंढो. कंसंट्रेशन की कमी थी या फिर टाइम मैनेजमेंट की कंसिस्टेंट नहीं थे या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम लगा दिया. यू कैन टेक सपोर्ट. मान लो कि आप पे डेट है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले. आप लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, लोगों से सपोर्ट ले सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, उन लोगों से बात कर सकते हैं जो डेप्थ में से निकले हैं, या फिर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जो डेप्थ में रहे हैं एंड ग्रेजुअली डेप्थ के बाहर निकले. आप लोगों को फॉरगिव कर सकते हो. मान लो कि आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, कितनी बार सोचते रहोगे और खुद को तंग करते रहोगे. यू कैन फॉरगिव पीपल एंड मूव ऑन. लोगों को माफ करो, आगे बढ़ो, खुद को सिखाओ और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाओ. एक टेक्निक जो मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में सिखाता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं, फेस ऑन फेस. कई बार हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, ये लेसन नहीं मिल रहा होता, उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि अगर कोई और बंदा मेरी केस में, मेरी सिचुएशन में होता तो वो कैसे एक्ट करता, क्या करता. फॉर एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी अगर इस फेलियर में मेरी जगह होते तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करते, क्या वो गिव अप कर देते. नाना, अगर वो गिव अप करते थे तो वो धीरूभाई अंबानी ना होते. अब्दुल कलाम मेरी जगह होते तो क्या करते. मैरी कॉम मेरी जगह होती तो क्या करती. सचिन मेरी जगह होते तो क्या करते. एक बच्चा इस सिचुएशन में क्या करता. एक राइटर इस सिचुएशन में क्या करता. इस फेस ऑन फेस की वजह से आप कई बार अलग नजरिए से कॉजेज, लेसन एंड सोल्यूशन ढूंढ पाओगे. अनदर इंपॉर्टेंट लेसन इज टू मेक अ प्लान. मान लो आपने हेल्दी खाने का, हेल्दी डाइट बनाने का रूटीन बनाया, लेकिन घर में अनहेल्दी चीजें पड़ी है जिनको आपने हेल्दी चीजों के साथ रिप्लेस नहीं किया और आप फेलियर हो गए. तो हम क्या सीख सकते हैं कि हमें पहले प्लानिंग करनी होगी कि घर में अनहेल्दी चीजों को हटाना होगा, हेल्दी सब्स्टिट्यूट को लेके आना होगा, तो जब भूख लगे तो हाथ अनहेल्दी चीजों में न जाए, हेल्दी चीजों में जाए. तो आपकी प्लानिंग बन सकती है आपके फेलियर के बेस पे, सो दैट आप अगली बार फेल ना हो. तो एज आई सेड कि गलतियां करना गलत नहीं है, बट गलतियों से ना सीखना वो गलत है. क्योंकि समंदर में पना होना तो किस्मत का खेल है, जो मरते हैं किनारों पे मुझे दुख उन पे आता है. फोर्थ टिप, मेडिटेट. आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, लेकिन फिर भी दिल में अगर कोई गम बाकी है तो आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं. आई डोंट नो कि एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निक कितनी बेस्ट है, कितनी वर्स्ट है, बट मैं खुद इस टेक्निक को यूज करता हूँ, फायदा लेता हूँ, तो आप भी फायदा ले सकते हैं.
अब एक बढ़िया सी सीनरी इमेजिन करो, खुद को इमेजिन करो कि आप हरे भरे खेतों के बीच में खड़े हैं और वहां पे एक हॉट एयर बैलून बंधा हुआ है। इस बैलून के पास जाओ और अपने सारे नेगेटिव फीलिंग्स, अपने दुख, अपनी तकलीफें, फेलियर्स के बारे में आपके थॉट सारे इस बैलून में भरते जाओ। अपनी सारी नेगेटिविटीज निकाल दो, जितना भर सकते हो भर दो, जितना डीप में सोच सकते हो जाओ। खुद को माफ करो, दूसरों को माफ करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ, अपने से प्रॉमिस करो और इस गमों के भरे बैलून को जाने दो, इसको फ्री कर दो, इसकी रस्सी को काट दो और इस बैलून को हवा में उड़ने दो। एंड धीरे धीरे आपको वो अपने गमों का, नेगेटिविटीज का बैलून नजर आना बंद हो जाएगा एंड आई होप कि आपको बेटर लगेगा। इस टेक्निक को बहुत ज्यादा दिन तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप रिलैक्स नहीं होते तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ इस टेक्निक को यूज करने का शायद बेनिफिट ना हो, लेकिन बाकी पॉइंट को माइंड में रख के जब हम ये टेक्निक यूज करेंगे तो खुद के साथ एक टाइम स्पेंड होगा, खुद को पॉजिटिव बना पाएंगे, मेडिटेट कर पाएंगे, रिफॉर्म कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे एंड अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ इज डीप पेशेंस। हमारी जनरेशन को ना इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई है, फोन करो पिज्जा घर पे आ जाता है, एक क्लिक पे मूवी डाउनलोड हो जाती है, एक क्लिक पे घर पे चीजें डिलीवर हो जाती है। हमें इतनी इंस्टेंट वाली आदत पड़ गई है ना कि हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजों को टाइम लगता है और टाइम लगना जरूरी होता है। हर बड़ा गोल, हर बड़ी विश के पीछे एक प्रोसेस होता है, अटेम्प्ट करने का, गलतियां करने का, फेल होने का, सीखने का, ग्रो करने का, डेवलप होने का। ऐसे कितने नाम है जिन्होंने अपने फेलियर्स की दीवारों के ऊपर सक्सेस के महल बनाए, बट हमें उन लोगों के सक्सेस नजर आते हैं कि आज ये बंदा सक्सेसफुल है, आज ये कंपनी सक्सेसफुल है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कितने फेलियर्स हैं, कितनी स्ट्रगल है, कितनी हार्डशिप है, ये हर कोई नहीं देखता। अब्राहम लिंकन की बात करें तो उनकी लाइफ फेलियर्स और डिफीट से भरी हुई थी। लॉस इज जॉब, उनके फ्रांसी की डेथ हो गई, वो दो बार बिजनेस में फेल हुए, वो 8 बार इलेक्शन हारे, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे और व्हाइट हाउस तक पहुंच के रहे और यूएस के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट बने। तो पॉइंट ये है कि हमें पेशेंट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा हर फेलियर हमारे गोल के एक स्टेप हमें क्लोजर लेके जाता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के फेल होना शुरू कर दो। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, आंधियों में चलते रहे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑन हाउ टू डील विद अ फेलियर। तो अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यू आर नॉट अ फेलियर। अटेम्प्ट फेल होने का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। सेकंड, स्टॉप किलिंग योरसेल्फ। फेलियर की फीलिंग को एक्सेप्ट करो, फेस करो और खुद को फ्री करो। थर्ड, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। क्या कॉजेज हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, आपको अपने फेलियर से सीखना होगा। फोर्थ, मेडिटेट, खुद को रिलैक्स फील कराओ। फिफ्थ, बी पेशेंट, फेलियर की दीवारों में ही सक्सेस का महल बनेगा। तो अपने हौसलों को आसमान छूने दो, अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो होने दो, अपनी लर्निंग को एक्सपैंड होने दो, अपने गोल्स के लिए लगे रहो। किसी भी फेलियर की वजह से रुकना मत और किसी भी फेलियर के आगे झुकना मत। इन पॉइंट्स को यूज करना और हर तरह के फेलियर को ओवरकम करना। और लास्ट में मैं हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन्स के साथ क्लोज करना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ ना भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। तो दोस्तों, थी ना ये एक खूबसूरत सी ऑडियो क्लिप। वेल, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अगर आपको भी कभी फेलियर से जूझना पड़ता है, क्योंकि फेलियर्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी ज़िंदगी में फेलियर ना रहा हो, हार ना रही हो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कभी हार आ भी जाती है तो खुशी उससे डील कीजिए। जैसे यहाँ पे हिमेश जी ने बताया, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइए और अपनी हार से बिल्कुल मुक्ति पाइए, यानी कि उससे जूझने की जो तरकीबें हैं वो बिल्कुल हम सीख चुके हैं, तो हमें वो अपनी जिंदगी में जरूर अपनाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते हैं कदम अगले सेगमेंट्स की तरफ, क्योंकि अभी भी काफी सेगमेंट्स हैं जो हमारी इंतजार कर रहे हैं। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। मुझे बहुत सारा वक्त है और मुझे
बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार है। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं, इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। यू आर लिसनिंग टू इंस्पिरेशनल वे सीजन 3 विद आरजे दिव्या। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स, क्यूट सेइंग्स एंड वर्ड्स। क्योंकि हमेशा जो हमारे ख्याल होते हैं वही हमारी जिंदगी को एक दिशा देते हैं। हमारी जिंदगी उसी चीज पे निर्भर करती है जो हम सोचते हैं। तो क्यों ना अपनी सोच को, क्यों ना अपने थॉट्स को और भी पॉजिटिव बनाया जाए, ताकि हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी के लिए जगह ही ना रहे। तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन थॉट्स की तरफ। हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव। तो दोस्तों, द फर्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू फॉल। जी हाँ दोस्तों, जो जीत है वो है कि आप कितना ऊंचा बाउंस करते हैं, कितना और उभर के आते हैं जब आप हार जाते हैं। तो दोस्तों, जीत इसमें नहीं है कि कौन पहले पहुंचा, जीत इसमें है कि हार के बाद एक इंसान ने अपने आप को कितना और ऊपर उठाया। सो सक्सेस इज हाउ हाई यू बाउंस व्हेन यू फॉल। तो दोस्तों, इट सेकंड थॉट इज, इट ऑलवेज लुक इम्पॉसिबल अनलेस इट्स डन। जी हाँ दोस्तों, हर चीज हमेशा इम्पॉसिबल लगती है जब तक कि वो चीज हो ना जाए। तो इट ऑलवेज लुक इम्पॉसिबल अनलेस इट्स डन। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों चुपचाप वो चीज करिए और जब वो हो जाएगी तब आपको पता लगेगा कि असल में वो चीज हो सकती थी। So it always look impossible unless it's done. तो चलिए, the next thought for this evening is, when things and situations are tough, you must be tougher. ये दोस्तों, जब चीजें और हालात मुश्किल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, तो आपको और भी ज्यादा कठिन, और भी ज्यादा tough, और भी ज्यादा strong हो जाना चाहिए। जी हाँ, when things and situations are tough, you must be tougher. तो दोस्तों, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज, लिव योर लाइफ एंड फॉरगेट योर एज। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी जियो और जो अपनी उम्र है उसे भूल जाओ। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं 30 का हो गया, 40 का हो गया, 60 का हो गया, 80 का हो गया, तो आप जिंदगी नहीं जी सकते। सो लिव योर लाइफ एंड फॉरगेट योर एज। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज, Forgive them even if they are not sorry. जी हाँ दोस्तों, उन्हें माफ कर दीजिए अगर वो
सॉरी भी नहीं है, अगर उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, फिर भी उन्हें माफ कर दीजिए। वैसे तो दोस्तों 3 साल हो चुके हैं ये शो चलते हुए और आपको बहुत पसंद भी आ रहा है, आपके फीडबैक्स आते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस थॉट को मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया काफी बार, कुछ एक मिलते जुलते थॉट्स को, तो आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। फॉरगिव देम इवन इफ दे आर नॉट सॉरी। वेल दोस्तों, उन्हें इसलिए माफ कर दीजिए क्योंकि अगर आप सॉरी कहने की इंतजार करेंगे तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उन्हें माफ कर दीजिए और अपना जो भार है आपके सिर पे, दिमाग पे, वो बिल्कुल उतार दीजिए। सो फॉरगिव देम इवन इफ दे आर नॉट सॉरी। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज डोंट स्पीक अनलेस यू कैन इम्प्रूव द साइलेंस। जी हाँ दोस्तों, कोई बोलने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि तुम्हारे बोलने से साइलेंस में सुधार ना हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर आपके कहने से, बोलने से कुछ फायदा होता है, कुछ प्रोडक्टिविटी आती है, कुछ किसी भी तरीके से कुछ अच्छाई आती है, तो ठीक है, पर फालतू में अगर शांति और आप बोल रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है, मतलब नहीं है, तो फिर वो बोलने का क्या फायदा। सो चुप ही रहो इससे अच्छा। सो डोंट स्पीक अनलेस यू कैन इम्प्रूव द साइलेंस। तो चलिए, द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, 99.9% लोग जो हैं वो सोचते हैं कि अगर हम बड़ी चीज करेंगे तो हम बहुत बड़ा पाएंगे, नाम और शोहरत तभी पाएंगे जब हम कोई चीज बड़ी करेंगे, पर असल में जो चाबी है वो तो यही है कि छोटी छोटी चीजें कीजिए और वो एक चीज बड़ी बनाते हैं। सो स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों, द लास्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज एडवर्सिटी कॉजेज सम मैन टू ब्रेक अदर टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत थॉट है। Adversity causes some men to break, other to break the records. जी हाँ, जो adversity होती है यानी कि बहुत ही ऐसा समय जब कठिन हो, बहुत ज्यादा आपको मुश्किलों से, हालातों से गुजरना पड़ रहा हो, तो वो हालात या तो लोगों को तोड़ देते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन हालातों में records को तोड़ देते हैं। Suppose कोई बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो इतना ज्यादा मतलब मुश्किल हालातों से गुजर रहा है, तो वो इतनी मेहनत करता है कि वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाता है कुछ सालों बाद। तो दोस्तों, एडवर्सिटी कॉजेज सम मैन टू ब्रेक, कुछ लोगों को एडवर्सिटी मुश्किल हालात तोड़ देते हैं, अदर टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स, और दूसरे लोगों को ऐसा बना देते हैं कि वो रिकॉर्ड्स को तोड़ देते हैं। सो दोस्तों, एडवर्सिटी कॉजेज सम मैन टू ब्रेक, अदर टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। So dosto, these were the thoughts for this segment of this episode, and I'll be right back after this short break. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma, aur mujhe umeed hai ki ye jo thoughts hai, cues hai, inhe aap zindagi mein jagah denge, inse kuch seekhenge, inhe bas sunke nazar andaz nahi karenge. To chaliye, fir milti hu aapko is choti si break ke us paar. Happy listening and stay tuned. Hey,
So दोस्तों, now we are in the segment of tips, and दोस्तों, I would like to modify the name of this segment. Now onwards, we are going to call this segment tips and benefits. Either we'll talk about tips or we can talk about benefits. So दोस्तों, today we are going to talk about 5 benefits of waking up early in the morning. जी हाँ, सुबह जल्दी उठने के 5 benefits. आज हम उस बारे में बात करेंगे ताकि आप जिंदगी में जल्दी उठने की कोशिश करें. तो चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन टिप्स की तरफ. बट रिमेम्बर, दीज टिप्स और स्लैश बेनिफिट्स विल ऑलवेज बी इन इंग्लिश. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों, द फर्स्ट टिप फॉर दिस इवनिंग इज, वेल, यू कैन हैव अ बेटर माइंड. जी हाँ, इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन हैव अ बेटर माइंड परफॉर्मेंस. सपोज यू आर वेकिंग अप अर्ली एट 5:30 AM और मे बी 6 और मे बी 5 AM, डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस. सो दिस विल मेक योर माइंड मोर एक्टिव एंड इट विल कीप योर माइंड मोर वाइब्रेंट. जी हाँ, यू कैन फील ईज एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट द डे. Suppose you are waking up at 9 AM in the morning, that would give your mind a lazy, tedious feeling. But if you are waking up at 6 in the morning or before, or somewhat 5:30, 6:37, you can have a better and more productive day. So try it yourself. Make a comparison. Tomorrow, wake up at 6 or 6:30 and see how your day goes. And day after tomorrow, wake up around usually like 8 or maybe 8:30 or longer.
This way you can feel the difference yourself. So try it yourself and this habit of yours can actually change your days for better. So this was the first benefit of waking up early. It can make your mind more vibrant. So those are the second benefit is you can feel more positive. Yeah, dosto, positivity is something that can be attained easily, but you have to put some efforts. And yes, you can do it by waking up early in the morning. I'm not telling you to wake up at 4, but of course you can try waking up at 6, 6:30, 7. So this way, you can feel more positive throughout the day. Because there is always positivity, optimism in the morning. You can feel that charisma of positivity in the morning. You can just stand by the window, or maybe if you have a garden, you can stand there, sit for some time, and this will surely give you a positive mind and positive thought. Give it a try and you can feel the difference. So those are the third benefit of waking up early in the morning is you can feel more happy, contented and thankful. Yeah, if you are waking up early in the morning, you will have a feeling that you are happy with your life. Things are going little difficult, but you can do it. Or similarly, you are very thankful for your family, friends or whatever possessions you have. Try it and you will definitely experience the same thing. Suppose you are waking up early in the morning, then at that time, at that tranquil time, you can feel how blessed you are. Many people around you don't have the things you have. People you have, friends, family you have. So this is the right time to think about these things and your life will become more happening by doing this. Try it yourself and you are going to agree on this. So those are the fourth benefit of waking up early is once you are awake in the morning, you can think about something really important because throughout the day, your mind remains packed and so busy. But in the morning, your mind is fresh. So you can think apart from your work, study or the similar things. For example, you are thinking how to improve your health or maybe you are just thinking that you have to pay attention on this or that apart from your work. So in the morning, your mind can help you in figuring out your life in a better way because throughout the day your mind is already occupied with petty issues, but in the morning your mind can perform actually better. So if you are thinking of a friend or you are thinking about writing a book or you are thinking about blah blah and blah, or your habits, your hobbies, your improvements, manners, children, siblings, parents, so on, you can do it in a good manner in the morning. So try it yourself. Morning is the best time to do it. So those are the last and the fifth benefit of waking up early is, well, once you are awake in the morning, you can have a lot of fresh air. Yeah, because throughout the day there are so many vehicles on the roads and otherwise also there are so many people wandering around and so on. This makes the air not so cool, not so happening, not so fresh, refreshing. So why not just grab some fresh air in the morning? This will give you a fresh mind, fresh heart, and of course a fresh feeling. So why not just get some fresh air for your health and you will feel better. And this can actually help you in wiping out many of your ailments or maybe just your negativity. So try these five things and these benefits will be right there with you. So dosto, I hope you are going to wake up early now onwards. So chaliye fir main milti hoon aapko ek choti si break ke baad. You are listening to Inspirational Wings Season 3 with RJ Divya Sharma. Stay tuned, stay positive.
रात भर आ रात भर जाए ना घर जाए ना घर
You are listening. Radio Udaan, a flight of life. www.radioudaan.com. So, दोस्तों, now we are in the last segment of this inspirational ride, and I hope कि आज के जो ये segments थे ये आपको अच्छे लगे होंगे. Well, अगर आपके पास भी है कोई कहानी, कोई audio clip, thoughts, tips या कोई भी ऐसी चीज जो inspire करती है, positivity देती है, encourage करती है, या किसी भी तरीके से negativity को दूर भगाती है, तो जरूर share कीजिएगा, and I will definitely make it a part of this inspirational ride, क्योंकि जो हमारा सबका मकसद है वो यही है कि हम एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाते रहें, क्योंकि हम जिंदगी में कुछ तभी पा सकते हैं अगर हम नेगेटिविटी से दूर रहें. तो चलिए फिर दोस्तों, जुड़ने के लिए या अपने फीडबैक्स या कुछ भी शेयर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudaan.com और फेसबुक पे पेज लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radioudaan. आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudaan.com. और साथ ही दोस्तों, आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyashirma.bs@gmail.com. तो दोस्तों, ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से हम, और स्काइप आईडी तो आपको पता ही है, रेडियो उड़ान. तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जो जिंदगी है वो और पॉजिटिव हो और नेगेटिविटी को बिल्कुल जगह न मिले, लेती हूँ मैं इजाजत आरजे दिव्य शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक यानी कि ट्यूसडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी वेंसडे 4 to 5 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेल दोस्तों, ठहरिए जरा, अभी एक पहेली पूछना तो बाकी है. जी हाँ, लाइक ऑलवेज आई एम गोइंग टू आस्क यू अ रिडल, क्योंकि जब भी हम कोई चीज सॉल्व करते हैं, कोई आंसर देते हैं, तो पॉजिटिविटी जरूर आती है. तो चलिए, आप आंसर दीजिए और मैं इस रिडल का आंसर बताऊंगी नेक्स्ट वीक के एपिसोड के पहले सेगमेंट में. तो दोस्तों, द रिडल फॉर दिस एपिसोड इज, तो दोस्तों रिडल कुछ ऐसी है, देयर वर 5 birds एंड अ शूटर शूट्स 1 bird हु डाइज इंस्टेंटली. सो हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर. ये दोस्तों 5 birds थे, पक्षी थे, और जो शूट करते हैं लोग, उन्होंने एक बर्ड को यानी कि एक पक्षी को मार दिया, तो कितने रह गए वहां पे. So you have to give answer by next week. There are 5 birds. A shooter shoots 1 bird and it dies instantly. So how many birds are there now? So intezaar rahega mujhe aapki riddle ke answer ka. To milti hu aapko next week. Aap bane rahiye Radio Udaan ki flight ke saath. Main lungi aapse ab ijazat. Stay positive, keep spreading positivity, and make sure negativity finds no place in your life. Happy listening. Stay tuned. Take care of yourself. Sari raat aahe bharta, pal pal yaadon mein marta, maane na meri man mera. थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा, कभी मेरा साथ में बात.